सावन में इस पौधे के नीचे होता है करोड़ों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, सावन में संपूर्ण जितने भी धरती होते हैं ये सब हरा भरा हो जाता है। दोस्तों सावन में धरती माता के गर्भगृह से अनेक प्रकार के चमत्कारिक पौधा निकलते हैं, अनेक प्रकार के चमत्कारिक पौधा निकलना शुरू हो जाते हैं और सावन के आखिरी तक अर्थात सावन समाप्त होने तक पूर्ण रूप से सारे पेड़ पौधा निकल आते हैं। दोस्तों आज 5 ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताऊंगा जिसके नीचे करोड़ों का खजाना छिपा होता है सावन के समय में, सावन के मौसम में। और दोस्तों आप भी थोड़ी सी मेहनत करके इन खजानों को पा सकते हैं। दोस्तों इस पौधे का उल्लेख जिसके अंदर में खजाना छिपा होता है हमारे प्राचीन ग्रंथ रावण संहिता, वाराह संहिता एवं इंद्रजाल जैसे चमत्कारी किताबों में लिखे हैं। दोस्तों ये खजाना मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको प्राप्त होगा। और दोस्तों ये खजाना बहुत लोगों को प्राप्त भी हो चुका है लेकिन वो लोग इसके बारे में किसी और को बताना नहीं चाहते। दोस्तों उन्हें यह डर बना रहता है कि उनके इस जानकारी से, उनके इस ज्ञान को अगर कोई और सीख जाए तो उनके पेट पर लात पड़ सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आप लोगों के जन कल्याण के लिए हमारे चैनल में साझा की जा रही है ताकि आपकी भी गरीबी जल्द मिट सके। दोस्तों है भारत का सबसे बड़ा तांत्रिक अध्यात्म एवं आयुर्वेद की चैनल है जिसमें जीवन को सुखमय बनाने का अनेक उपाय एवं साधन दिए गए हैं। दोस्तों आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब भी आप इस खजाने को प्राप्त करना चाहे तो दोस्तों इस पौधे के नीचे खजाने तो होता है लेकिन इसके नीचे विषैले सर्प भी होता है, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इन पौधे के नीचे में जाना है और आपको खजाने को प्राप्त करना है। तो कौन से ऐसे 5 चमत्कारिक पौधे हैं जिसके नीचे में खजाना छुपा होता है, इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी बताना चाहूंगा कि सावन में ही इस पौधे के नीचे में क्यों पाया जाता है खजाना। दोस्तों दरअसल जो सावन में मृत पड़े पेड़ पौधे होते हैं इन पर पुनः जान आ जाते हैं और नष्ट हुए पेड़ पौधे भी सावन की रिमझिम बूंद पड़ते ही पुनः धरती मैया के गर्भगृह से निकलना शुरू हो जाते हैं, तो इससे इन पेड़ पौधे की पहचान करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों आप जो सावन में इन पौधे की पहचान करके इसके नीचे में दबे हुए धन को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों करोड़ों रुपए की खजाना छुपा होता है इन पौधे के नीचे। दोस्तों जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ जी को दिल से मानते हैं दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखना। और हाँ, हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए कीमती होता है। दोस्तों ये 5 पौधे के नीचे में छुपा होता है करोड़ों का खजाना। पहला पौधा है तेलिया कंद। दोस्तों तेलिया कंद का पौधा मिलना दुर्लभ होता है लेकिन बरसात में इस पौधे को आसानी से खोजा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये पौधे को बरसात के समय में बहुत ही आसानी से खोज सकते हैं, इसलिए हम वीडियो के पहले ही बताएं कि सावन के महीने में मृत पड़े पेड़ पौधे एवं नष्ट हुए पेड़ पौधे को ढूंढना बहुत ही आसान होता है। तो तेलिया कंद नाम के पौधे ये मिलना दुर्लभ होता है लेकिन बरसात के समय में इस पौधे को बहुत ही आसानी से आप जो दोस्तों ढूंढ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे के ऊपर ये आस पास में निरंतर तेल का रिसाव होता रहता है, ये इस पौधे की लक्षण है, पहचान है। दूसरी बात, इस पौधे के कंद पर लोहे का सुई चुभाने से वह गल जाता है। दोस्तों ये पौधे की दूसरा पहचान है। दोस्तों 12 वर्ष पुराने पुरुष तेलिया कंद के नीचे गड़ाधन छुपा होता है। 12 वर्ष पुराने पुरुष तेलिया कंद के नीचे दबा हुआ धन छुपा होता है और सावन के महीने में लक्ष्मी मैया एवं अन्य देवी देवता पृथ्वी लोक पर भोलेनाथ जी की पूजा करने, आराधना करने आते हैं, तो उनके आने के कारण अलौकिक शक्ति के प्रभाव से, क्योंकि लक्ष्मी मैया आती, अन्य देवी देवता आते हैं तो उनके अलौकिक शक्तियां भी उनके साथ में आते हैं, तो अलौकिक शक्ति के प्रभाव से जमीन में गड़ा धन, इसके नीचे में जो जमीन में गड़ा धन होता है 1 फीट के नीचे ऊपर आ जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जड़ी बूटी के भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती को कहे गए हैं, स्वयं जड़ी बूटी को भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के स्वरूप कहे गए हैं। और इन पेड़ पौधे पर सावन के समय में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की ऊर्जा शक्ति जागृत अवस्था में होती है। चूंकि दोस्तों सावन के समय में धन्वंतरी जी एवं अश्वनी कुमार को आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों, इसे देवताओं का वेद कहा जाता है, तो इन पेड़ पौधे पर वास करते हैं, इसलिए सावन के समय में इनके नीचे में गड़े हुए धन को प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाता है।
दूसरा पौधा नोट करें दोस्तों, मशरूम का पौधा। ध्यान से नोट करें दोस्तों, मशरूम के नीचे भी करोड़ों का खजाना छुपा होता है। लेकिन दोस्तों ये वो मशरूम नहीं जो हमारे घरों के आसपास में पाए जाते हैं। दोस्तों ये मशरूम साधारण मशरूम से अलग होते हैं। इसे आप इन लक्षणों से पहचान कर सकते हैं। इनके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं। दोस्तों इस मशरूम की आकृति सर्प के जैसा होता है। दोस्तों सर्प की जो ऊपरी हिस्से होता है उसी तरह से इस जो मशरूम है जिसके नीचे में गड़ा धन छुपा होता है इनकी आकृतियां होती हैं। दोस्तों ये मशरूम हमेशा नाग नागिन की तरह दूर से दिखाई देगा और इस मशरूम की आयु क्षमता साधारण मशरूम की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात दोस्तों जैसे कि साधारण मशरूम 2 दिनों में खत्म हो जाते हैं तो उनके तुलना में ये मशरूम 5 दिनों से लेकर के 1 सप्ताह तक इन्हें कुछ भी क्षति नहीं होता। दोस्तों इस मशरूम से इत्र जैसा सुगंधित खुशबू आता है। जिसके नीचे में गड़ा धन छुपा होता है इस मशरूम के नीचे से इत्र जैसा सुगंधित आता है एवं जहां ये उगा होता है उस भूमि में गर्माहट होती है। ये है इस मशरूम के लक्षण और इसके नीचे में दबा हुआ धन को प्राप्त करने का तरीका। तीसरा पौधे हमारे नोट करें दोस्तों, तीसरा पौधे है काला हल्दी। दोस्तों जंगल में पाए जाने वाले जो काला हल्दी होता है इसके नीचे में करोड़ों का खजाना छिपा होता है। बहुत ही कम लोगों को ये जो काला हल्दी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। दोस्तों काला हल्दी का पौधा साक्षात धन खींचने की चाबी माना जाता है। साक्षात माता काली एवं माता लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है। दोस्तों इसके घर में होने से धन का भंडार भर जाता है। हमने अपने चैनल में काला हल्दी के चमत्कारिक फायदे के बारे में एक वीडियो बनाया है। आप चाहें तो वह वीडियो भी जा करके हमारे चैनल में देख सकते हैं। तो दोस्तों जो काला हल्दी का पौधा होता है जहां पे बिना उगा ही काला हल्दी के पौधा उगाए और ये जंगली स्थान पे या फिर निर्जन स्थान पे जहां लोग का आना जाना कम हो, जहां पे लोग आते जाते ना हो, वहां पे अगर काला हल्दी उगाए तो वहां पे समझ जाना बिल्कुल ही जमीन में दबा हुआ धन छुपे हैं और सावन के महीने में इन धन को आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में सावन के महीने को क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सावन के महीने में जितने भी इस संसार में धन दौलत ऊर्जा शक्ति ये सब जागृत अवस्था में होती, सब में चैतन्य आ जाती हैं। दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी को हम सब बोलते हैं, लेकिन धन की देवी माता लक्ष्मी को धन देने का दर्जा, धन देने का पद कौन दिए? भगवान भोलेनाथ दिए। इसलिए उनका भी कर्तव्य बनता है कि सावन के महीने में अपने सभी धन को भगवान भोलेनाथ को निछावर करे। इसलिए भूभाग पर जब भगवान शंकर जी माता पार्वती अर्थात दोस्तों ये जब भूलोक पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ आते हैं तो ये सारे धन ऊपर में आ जाते हैं। चौथा पौधा नोट करें, जमीन पर लटकते जो बरगद का वृक्ष होता है। दोस्तों जमीन पर लटकते बरगद के नीचे करोड़ों अरबों का खजाना होता है। इसके पहचाने का नियम ये है और दोस्तों ये सारे धन भूभाग की ऊपरी सतह पर 12 फीट के नीचे में रहते हैं। तो जिस बरगद के वृक्ष के आसपास पुराने मंदिर हो वहां पे जमीन में दबा हुआ धन होता है। सावन में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। या आसपास पुराने ईंट मिले, जी हाँ दोस्तों जो आसपास पुराने ईंट मिले तो समझ जाना वहां पे भी जमीन के आसपास में करोड़ों रुपए का दबा हुआ धन है। पुराने मिट्टी के बने खिलौने मिले, कौड़ी मिले, चूड़ी मिले या फिर कंकाल मिले तो समझ जाना दोस्तों उस बरगद वृक्ष के नीचे में दबा हुआ धन निश्चित रूप से है और इस धन की रखवाले बरगद वृक्ष में रहने वाले ब्रह्म कर रहे हैं। तो दोस्तों इस ब्रह्म को भी मनाना बहुत आसान है। 5 प्रकार के आप उन्हें भेंट देते हैं, भोग देते हैं। 5 प्रकार की मिठाई का बने दूध का बना हुआ मिठाई का भोग देते हैं तो वह जो ब्रह्म है वो शांत हो जाते हैं और आप उन धन को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों सफेद मदार की पौधा। मदार के जड़ पर साक्षात धन का भंडार होता है। 11 वर्ष पुराने मदार की पौधे की जड़ गणेश जी की आकृति ले लेता है। तो ऐसा माना जाता है भगवान भोलेनाथ को सफेद मदार की पुष्प अत्यंत प्रिय है, गणेश जी को सफेद मदार की पुष्प अत्यंत प्रिय है। तो जिस स्थान पर बिना उगा ही 21 पौधे से अत्यधिक अगर सफेद मदार की पौधे हो तो वहां पे सावन के समय में उन वृक्षों की जड़ पर आकर के धन स्वयं वास करते हैं। अर्थात दोस्तों धन दौलत जो जमीन में दबा हुआ धन होते हैं ये वास करते हैं। आप इन्हें बहुत आसानी से प्राप्त कर अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। दोस्तों पांचवा एवं अंतिम जो हमारे पौधे हैं दोस्तों, जिस वृक्ष पर 11 से अत्यधिक मधुमक्खी छत्ता बनाए हो,
जिस वृक्ष पर वैसे तो सामान्य मधुमक्खी 2 से 3 ही छत्ता बनाते हैं, लेकिन जिस वृक्ष पर 11 से अत्यधिक मधुमक्खी छत्ता बनाए वहां निश्चित रूप से दबा हुआ धन होता है, आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अभी सावन के महीने में इन 5 पौधे पे बहुत ही आसानी से रिसर्च करके इनके जमीन में दबा हुए धन को प्राप्त कर अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। और अंतिम बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप भी भोलेनाथ को दिल से मानते तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखना दोस्तों, शायद हो सकते हैं आने वाले समय में आपको भी जमीन में दबा हुआ धन मिल जाए। इन लक्षणों से अवश्य आप पता करें, आपकी गरीबी जल्द मिटेंगे।